बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हमने द किचन स्टाइल में आपको तौरी आलू की सब्जी बनाना सिखाई है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चले हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको तौरी आलू की सब्जी बनाना बता रहे हैं। ये आधा किलो तौरी साफ कर ली है हमने, इसको कटिंग कर ली है। दो अदद आलू कटिंग करके रखे हैं, प्याज दो अदद, टमाटर तीन अदद, लहसुन, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, कलौंजी, सफेद जीरा, हल्दी, काली मिर्च और नमक। तेल डाल दिया है, अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब देखेंगे प्याज डाल के, फिर हमने कटी हुई प्याज डाल दी इसके अंदर। हमारी प्याज थोड़ी लाल हो जाए, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी सफेद जीरा, कलौंजी, ये डाल देंगे। देखिए अब हमारे प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपनी कुटी हुई लहसुन, कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। हम क्योंकि लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम हरी मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हम इसमें अपने कटे हुए तीन अदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर गल चुके हैं, अब हम इसमें नमक डालेंगे। पहले अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल दें, हल्दी डाल दें अपने टेस्ट के मुताबिक, और ब्लैक पेपर डाल दें, और लाल मिर्ची आपको जितनी चाहिए उतनी डालें, हम नहीं डालते लाल मिर्ची। आलू डाल देंगे ताकि थोड़े आलू पक जाए, उसके बाद हम इसमें तौरी डालेंगे। आधे घंटे दो से पाँच मिनट तक पका लेंगे। देखिए हमारा आलू अच्छा थोड़ा गल गया है, उसके बाद हमने इसमें तौरी शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा इसका ढक्कन खुला ही रखेंगे ताकि तौरी का पानी सूख जाए। उसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा लेंगे। हमारी सब्जी का पानी काफ़ी कम हो चुका है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, और इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे। तौरी में पानी पहले पकते वक्त नमक थोड़ा कम डालें ताकि इसमें नमक जल्द हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है तौरी में। तो टेस्ट करके अगर नमक आपको कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। अब आप इसको